नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रामगढ़ जनपद में इसहाकपुर थाना और राज निवासी पीड़ित पिता कपिल देव चौहान पुत्र श्रीराम चौहान ने बताया कि मेरा पुत्र पप्पू चौहान और रोहित चौहान बुरी संगत के व्यक्ति हैं। अक्सर शराब, गांजा पीना और मारपीट व गाली गुप्ता दोनों लोगों को देते रहते हैं और हमको शराब पीकर मारते पीटते हैं। अपने दोनों पुत्रों पप्पू और रोहित से अत्यंत परेशान हो चुका हूँ। हमें अपने पुत्रों से जान का खतरा है। हमारा पुत्र पप्पू चौहान अनावश्यक फर्जी तरीके से थाने पर दरख्वास्त देकर लोगों को फंसाने के लिए परेशान करता रहता है। इसके पूर्व पप्पू चौहान ने संजय निषाद पुत्र शुभाजीत निषाद ग्राम इसहाकपुर थाना अहरौला के खिलाफ फर्जी अपहरण का प्रार्थना पत्र दिया, जिससे स्थानीय पुलिस संजय निषाद को परेशान कर रही है। हमने स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर कहा कि संजय निर्दोष है, जबकि हम अपने पुत्रों के आतंक से अपने समधी के यहाँ अयोध्या में तीसरे पुत्र और बहू के साथ सुरक्षित हैं। हमारी दूसरी पत्नी उर्मिला को 9 सितंबर 2022 को पुत्र पप्पू ने मारा पीटा था। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करते हैं कि उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए फर्जी दरख्वास्त देने के मामले में हमारे पुत्र पप्पू चौहान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी और हमारी सुरक्षा के लिए थानाध्यक्ष अरोड़ा को निर्देशित किया जाए, ताकि हमें न्याय मिल सके। क्या मामला है कि घर पर काबला थमन के रहे ना देवल चाहते हैं। कौन नहीं रहने दे रहा? ये पप्पू। पप्पू कौन है? पप्पू काबला थमरे सौती के लड़का है, सौती के। हम दूसर मातारी हैं। संजय निषाद के ऊपर जो है, हाँ संजय निषाद के ऊपर जो है ना, तो झूठा इल्जाम है। हाँ वो झूठा है। आपके हस्बैंड का अपहरण नहीं हुआ? नहीं, कबो ना हुआ है। वो कहाँ रहना है? वो हम लोग तीनों मिला काबला था, पतो है और लड़का आई, सब लोग हमने संध्याने रहते हैं। वही लड़का पैदा भैया, वही हम लोग हैं ला। लड़का की तबीयत खराब है, वही के लेके काबला था, झीलल जाता है। पुलिस इनके यहाँ, पुलिस इनके, हाँ तो आप लोग थाने पर जाके पुलिस को बताना चाहिए ना कि जाके? हाँ बहुत बता चुके हैं। अच्छा, तो कबीर कप्लीसन उठू दे नहीं कि काबला था, उनके घर मत जाए। हाँ लेकिन तो कौनों सुनवाई ना भाई। हाँ काबला था हम कहानी कि वो हमन के बीच ना हम, लेकिन हमन के तंग मत करा लोग। और खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, जा करके का खाएं? का चाहती हैं? कुछ नहीं है, सब जवन रहा घर में का बेचबा नबलो हमरे को। आप का चाह रहे? हम यह चाहते कि उन्हें उनका काबला था, वो उनके बंद कर जाए। क्या नाम है आपका? कपिल देव। कहाँ के रहने वाले? इसहाकपुर थाना अहरौला। आज एसपी कार्यालय आए हुए हैं, आपके अपहरण का आरोप लेके पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? आप कहाँ थे? हम संध्याने रही ला माझा। अरे साहब अब रहा ही ना दे कौन बात बताए। हाँ वही रही लड़का पैदा वाला, वही सुई दवाई होती है हमारो हो। क्या नाम है आपका? संजय निषाद। कहाँ के रहने वाले? इसहाकपुर अहरौला थाना। क्या मामला आ गया? सर हम एक हमारे गांव के पप्पू चौहान हैं, वो घड़ी घड़ी आज 3 महीना से अप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारे पिताजी को अपहरण किए हैं, हमारे पिताजी को उठा के ले गए हैं, रखे हैं, जो कि उनके पिताजी अपने संध्यान में हैं, उनके भाई मोहित निषाद मोहित चौहान के साथ में हैं और उनकी औरत भी साथ में है। उनका हम कई बार थाने भी ला के बयान करा चुके हैं, इसके पहले 2-3 बार थाने पर ला के बयान करा चुके हैं। यहाँ कप्तान साहब के अभी हम लेके आए थे उनको, हम करीब 5-6 हज़ार रुपये अपना पेट्रोल फूंक के हम कई 5-7 बार बयान करा चुका, फिर 4 दिन से पुलिस जा रही है। हम थाने पर गए थे, दरोगा जी थे, कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तुम हाजिर कराओ, उनका हिस्सा दिलाओ। हम उनके पिताजी को बोले थाने पर आओ, तो थाने पर आते नहीं, भाग भाग के यहाँ पर आते हैं कप्तान साहब के यहाँ, थाने पर नहीं जाते हैं। थाने पर जाते हैं कहते हमारा चालान करते 151 में, अभी उसमें क्या हमको बजा रहे हैं। उनके पिताजी भी आए थे, हम उनको बुलाए थाने पर, तो यहाँ आके फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ पे आओ कप्तान साहब के हम आए हैं। यहाँ कोई पुरानी रंजिश आपकी? उनके लड़के के वो ऐसी कोई रंजिश हमारी पुरानी नहीं थी, उनका लड़का हमसे विरोध करते रहता हमेशा, लेकिन हम कभी उसको कुछ कहते नहीं हैं, कभी हम उसके नाम से एक दरख्वास्त भी नहीं दिए हैं। क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं हमको इसमें निकाला जाए, हमारे घर पुलिस ना जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है।